कई देशों में डॉल्फिन के दांतों को साफ करने के लिए भी वर्कर्स को रखा जाता है, जिसमें इन्हें सुबह सवेरे डॉल्फिन के साथ साथ बेलूका बेल के दांतों को भी साफ करना होता है। देखो, जापान में कुछ ऐसी मशीन लगाई गई है जिनमें आप जितनी तेजी से चिल्लाओगे तो दूसरी तरफ से उतनी ही तेज प्रेशर से पानी निकलेगा, और यहाँ पर लोग अपना गुस्सा शांत करने के लिए आते हैं। पहले के जमाने में ब्रिटेन में इस तरह की साइकिल चला करते थे जिनका अगला पहिया काफी ज्यादा बड़ा होता था, जिन्हें पेनी फॉथिंग कहा जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि लोग इससे नीचे कैसे उतरते थे।